चिल्ड्रंस आज का टॉपिक है रहीम के दोहे चैप्टर 19 स्टार्ट। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही रहीमन ऐसे प्रभु ही ताजी खोजत फिर ही काही। इनका अर्थ है अमर बेली बिन मूल की का अर्थ जो ईश्वर बिना जड़ की अमर बेल का भी पालन पोषण करता है, जैसे ईश्वर को छोड़कर बाहर किसे पोसते फिर रहे हो, उसे ब्रह्मा तुम्हारे अंदर ही, उसे वहीं पर ही खोजो। नेक्स्ट पंक्तियाँ, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े देव काम, साचे ते तो जग नहीं झूठे मिले ना राम। इनका अर्थ है बड़ी मुश्किल में आ पड़े कि यह दोनों ही काम बड़े कठिन है, सच्चाई से तो दुनिया दाढ़ी हासिल नहीं होती है, लोग रिश्ते हैं नहीं और झूठ से राम की प्राप्ति नहीं होती है, तो अब किसे छोड़ जाए किसे मिल जाए। नेक्स्ट पंक्तियाँ, जो रहीम उत्तम प्राकृतिक का कारी संकत कुशंग, चंदन बीज व्यापत नाही लपटे रहत भुजंग। इनका अर्थ है रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनकी बुरी संगति भी बिगड़ नहीं पाती है, जहरी जैसे कि जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला का प्रभाव नहीं डाल पाता है। नेक्स्ट, दिन सवे कह लाखत है दिन ही लखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होए। इनका अर्थ है गरीब की दृष्टि सब पर पड़ती है पर गरीब को कोई नहीं देखता, जो गरीब को प्रेम से देखता है उसकी मदद करता है वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिस की ग्रास, जैसे मिश्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। रहीम जी कहते हैं हमें अमृत वचन मिश्री की तरह बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है, नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक रिझियों कुछ ना दे। इनका अर्थ है गान के स्वर पर रिझ माने खुश होकर मृग अपना शरीर शिकार को सौंप देता है और मनुष्य धन दौलत पर प्राण गवा देता है, परंतु वे लोग हैं जो पशु से भी गए गुजरे हैं, तो जो खुश हो जाने पर भी कुछ नहीं देते। नेक्स्ट पंक्तियाँ, रहीम आशुआ नयन ढड़ी जी दुख प्रकट करे, जाही निकारो रोगे ते कस न भेद कहीं दे। इनका अर्थ है रहीम जी कहते हैं कि आंसू नयन माने आँख, आंसू नयनों से बहाकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं, सत्य ही जो घर से बाहर निकल जाता है वह घर का भेद दूसरों को बता ही देता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, दूरदिन परे रहीम कहीं भुलत सब पहचानी, सोच नाही बित हानि को जो न होए हित हानि। कभी रहीम जी कहते हैं कि जीवन में बुरे दिन आने पर सब लोग पहचान भी भूल जाते हैं, ऐसे समय में यदि अपने हृदय लोगों के सम्मान और प्रेम मिलता रहे तो फिर धन किस हानि की पीड़ा कम हो जाती है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, रीत प्रीत सब सो भली बैर न हित मित गोत, रहीमन याही जन की बहुरी न संगीत होत। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें इंसान का
एक है जो जन्म मिलता है और पाते यह शरीर दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए हमें अपने हितेश मित्रों और रिश्तेदारों से कभी वैर नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक से मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट पंक्तियाँ, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तो तैसोई फल दीन। तभी कहने का अर्थ है कि कदली पर अगर वर्षा की बूंद गिर जाए तो वह कपूर बन जाता है, स्वाति पर गिर जाए तो वह मोती बन जाता है, और सांप के मुंह पर गिर जाए तो वह विष बन जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया हो जितना पंक्तियां पढ़ाया होगा। धन्यवाद।